नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंद्रा क्लासेस में और स्वागत है आपका एलजेब्रा की क्लास थर्ड में। तो दोस्तों, अब तक हम एलजेब्रा की दो क्लास बना चुके हैं और उनकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, पहली क्लास में हमने बात की थी स्क्वायर वाले क्वेश्चन की, दूसरी क्लास में बात की थी क्यूब वाले क्वेश्चन की, और अब दोस्तों बात करेंगे क्यूब और स्क्वायर दोनों के मिक्स वाले क्वेश्चन की। दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों केवल इतना कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम, आपने थंबनेल में क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, उसी प्रकार का मैं पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ क्यूब वाला, कि x की पावर 6 और x की पावर 5 को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 3-4 सेकंड में आप निकाल पाओगे थिंकिंग करके, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप समझते हैं और समझने के बाद आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, और जो क्वेश्चन अगर आपको एलजेब्रा का नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन की सबसे पहले हम सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैंने दे दिया दोस्तों x+1/x = 2 दे दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पूछ लिया x+1/x = 6, ठीक है दोस्तों। जरूरी नहीं है मैं आपको x^6 ही पूछूँ इसमें से, जरूरी ये भी है अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन से x^5+1/x = 5 पूछ लूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं दोनों पैटर्न को एक साथ समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान से समझें लेकिन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको x^6 और x^5 का अंतर समझा देता हूँ, x^6 और x^5 का अंतर समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमको 2 और 3 में लेना है, किस में लेना है, 2 और 3 में लेना है, क्योंकि हमारा स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है और हमारा क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। 2 को स्क्वायर बोलते हैं, 3 को क्यूब बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों मैं x^2 करूं और x^3 का मल्टीप्लाई करूं तो हम जानते हैं दोस्तों x^5 आएगा, इससे हम ये तो निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x^2 और ऊपर लिख दूं x^3, तो x^6 आ जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब हम x^5 लाते हैं तो हम 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं और तब जाके 5 आ जाता है, पावर को ऐड हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। और आपको 6 में ध्यान रखना है कि ये 2 3 6 इस प्रकार से ऊपर पावर लगी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ध्यान से हम इस वाले क्वेश्चन को, किसको देखते हैं, पहले 6 वाले क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो 6 वाले क्वेश्चन के लिए मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि हमें क्या करना है, x^2 और x^3, ठीक है, इसी के ऊपर लगा देंगे। तो x^2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। अब देखिए हमें इसी के अकॉर्डिंग करना है, तो पहले दोस्तों हमें क्या निकालना है, x^2 फिर इसका क्यों कर देंगे, आंसर आसानी से आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, कि हम जानते हैं कि हमें अगर वैल्यू लानी है क्या स्क्वायर वाली, क्या लानी है, x^2 वैल्यू लानी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में करा रहा हूँ आपको, x^2 क्या लानी है, स्क्वायर लानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस का 2, मतलब कहने का मेरा सीधा सीधा सा मतलब है कि हम इससे अगर ये लाते थे दोस्तों स्क्वायर वाला, तो हमारा क्या था कि m^2 यही तो था दोस्तों। m मतलब हमारा कितना था दोस्तों, कितना था, 4 होता, सॉरी, m = दोस्तों हमारा कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, क्या रख दिया दोस्तों, 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 2, 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, माइनस का 2, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 2। आई बात समझ में, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बचा क्या दोस्तों, क्यू, ठीक है। और आपको मैंने बताया था, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, क्यू निकालना है, क्या निकालना है, क्यू निकालना है। और क्यू के लिए आपको पता था x^3+1/x^3 अगर हम लेके आते हैं तो हमारा क्या था, m^3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा दोस्तों m है वो हमारा अब कितना है, 2, पहले भी 2 था, ये 2 सॉल्व करके और कुछ वैल्यू होती तो और कुछ आता, 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 का क्यूब -2×3, तो 2 का क्यूब दोस्तों होता है 8 और माइनस का 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 होता तो आप 5 को सॉल्व करते, 7 होता तो 7 को, 8 होता तो 8 को, ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस पैटर्न से करना है, 6 जब आता है तो जरूरी नहीं है आपको यही वैल्यू आए। अब देखिए दोस्तों 5 की बात करता हूँ मैं, कितने की बात करता हूँ, 5 की।
अब इस 6 को बीच में से हटा देते हैं और केवल हम बात करेंगे x की पावर 5 और 1 अपॉन x की पावर 5 के, ठीक है। अगर यहाँ दोस्तों वैल्यू भी मैं चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ दोस्तों 3, एक बढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं है, और मैं पूछ लूँ x की पावर 5 और 1 अपॉन x की पावर 5, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको बताया था x की पावर 5 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि x की पावर 5 के लिए x की पावर 2 गुणा x की पावर 3। अब अलग अलग हमको क्या करना है दोस्तों, निकालना है, तभी तो हमका हमारा आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्या निकालेंगे यहाँ दोस्तों, एक्स की पावर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर। इसके लिए जो फॉर्मूला था दोस्तों वो क्या था आपका, एम क्यू माइनस का सॉरी एम स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर एम जो है वो दोस्तों कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 7 आ गया, अब हमें क्या स्क्वायर वाला आ गया तो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ रख लिया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, हमें निकालना है x की पावर 3 वाला। तो हम x की पावर 3 वाला एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू निकालने के लिए इसकी जो लिंक है फर्स्ट वीडियो की, सेकेंड की आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्स क्यू का पैटर्न समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या था, एम क्यू माइनस का 3m, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो m की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है आपकी, 2, 3 है, इसी को लेना है क्योंकि हमें अलग अलग लेना है। इसका मतलब होता था 6 वाले का कि पहले हमें इसको निकालना है और जो वैल्यू आती है फर्म में उसका क्यूब करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ अलग अलग है तो हमें इसी वैल्यू का 2 टाइम करना है, एक बार स्क्वायर में और एक बार क्यूब में, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्यूब का मतलब क्या था, 3 का क्यूब माइनस का 3 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसी वैल्यू को दो बार किया तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27 माइनस का 9, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 18, कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, केवल वही पैटर्न है, आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 7 आ गया और ये आ गया हमारा दोस्तों 18, ठीक है, 18 सत्य कितना हो जाएगा, 126। लेकिन आपका दोस्तों ये आंसर नहीं है, आपका ये आंसर नहीं है, आपको क्या करना है, लास्ट में 5 वाले डिजिट में हमारा जो यहाँ पे दिया हो, जो यहाँ पे वैल्यू दी हो, उसको क्या करना है, केवल माइनस करना है। और ऐसा 2018 में क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ माइनस का कितना करना है, 3, यही वाली वैल्यू जो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आ जाएगी 123, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 123, ठीक है दोस्तों। ये हो गए आपके x की पावर 6 वाला और x की पावर 5 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन अगली वीडियो में मैं एग्जाम में आए हुए एलजेब्रा के एक से एक क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ और उनको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत छोटी है, इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।